मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज की कक्षा में हम लेसन नंबर 7 पार नजर के, जो पिछली कक्षा में इसका एक्सप्लेनेशन यानी विवरण किया गया था उसी का कंटिन्यूएशन है। पार नजर के लेखक कौन है? जयंत विष्णु नालिलकर। तो ये पाठ में क्या है बच्चों, मंगल ग्रह पर सभी लोग, मंगल ग्रह यानी मार्स एक प्लैनेट का नाम है, हिंदी में इसे मंगल ग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? मंगल ग्रह यानी मार्स। तो क्या है मंगल ग्रह पर, थोड़ा सा इसका पुनर्कथन करेंगे। देखिए बच्चों, एक छोटा सा बालक जो है ऊपर अपने पापा का सिक्योरिटी पास हथियार लेता है। मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहा करते थे। किसी तरह के यंत्रों के, किसी खास किस्म के यंत्रों के यानी कोई इंस्ट्रूमेंट्स के, कोई खास इंस्ट्रूमेंट्स के, और किसी खास किस्म की पोशाक यानी कोई स्पेस सूट, किसी खास यंत्र का, क्या है यंत्र यानी कोई विशेष इंस्ट्रूमेंट, खास किस्म की पोशाक, खास पोशाक यानी ड्रेस, स्पेशल ड्रेस। स्पेशल ड्रेस क्या है? जो नीचे स्पेस में जाने के लिए क्या स्पेस सूट पहनते हैं, उसे खास पोशाक क्या, इसको हम क्या कहेंगे? स्पेस सूट, स्पेस सूट। यंत्र का अर्थ क्या है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, किसी खास किस्म की पोशाक के बिना ही वह जमीन के ऊपर रहा करते थे। छोटू ने अपनी कहानी कुछ इस तरह बताई। क्या है? छोटू का परिवार जमीन के अंदर रहता था यानी सुरंग के अंदर। चंद चुनिंदा लोग यानी कुछ सिलेक्टेड लोग ही सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, उसका प्रयोग कर सकते थे। छोटू के पापा भी उसमें से एक थे। किसी ना किसी तरह सिक्योरिटी को इस्तेमाल करके छोटू सुरंग के पास गया। छोटू के पापा भी वहीं पर काम करते थे। छोटू के पापा वहां पर काम करने के कारण क्या, छोटू पापा की चोरी से पापा को बिना बोले वहां पर उनका सिक्योरिटी पास इस्तेमाल करके छोटू भी सुरंग के पास चला गया और उसने सुरंग का दरवाजा खोला। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया, दरवाजा भी खोला, वहां पर एंट्री भी ले ली। बालक का खत छोटा होने के कारण नियंत्रण केंद्र यानी कंट्रोलिंग रूम, कंट्रोल रूम, नियंत्रण केंद्र को हम हिंदी में क्या कहेंगे? कंट्रोल रूम, नियंत्रण तो नियंत्रण केंद्र यानी कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में उसकी तस्वीर खींच ली गई, कंट्रोल रूम में छोटू की तस्वीर खींच ली गई यानी वहां पर फोटो आ गई और खतरे की सूचना दी गई यानी सूचना यानी मैसेज दिया गया कि यहाँ पर कुछ डेंजर जोन है। सूचना, सूचना का अर्थ क्या है? मैसेज देना, मैसेज दिया गया कि यहाँ पर कुछ खतरा है, डेंजर जोन में है, आप लोग प्रवेश किया गया। सिपाही ने आकर उसे घर वापस छोड़ दिया। छोटू की पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे रहती थी। सिपाही ने वहां का सिक्योरिटी गार्ड छोटू को लाकर बाहर छोड़ दिया। वहां उसकी कॉलोनी क्या थी? छोटू की कॉलोनी ने पूरी जमीन के अंदर नीचे रहा करती थी। छोटू के पापा ने उसे समझा कर बताया कि एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। एक समय ऐसा था कि सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वातावरण में यानी एटमोस्फियर में चेंजेस आने लगे। वातावरण, वातावरण का क्या बच्चों? यानी एटमोस्फियर। परिवर्तन का अर्थ क्या है? चेंजेस। तो क्या है? वातावरण में परिवर्तन आने लगा, एटमॉस्फेयर में चेंजेस आने लगे धीरे धीरे। वातावरण में परिवर्तन आने लगा, कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। कई तरह के जीव यानी कोई कई तरह के जानवर भी धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज, सूरज में हुआ परिवर्तन यानी सूरज में भी चेंजेस आ गए। क्या हो, उसमें परिवर्तन आने से सूरज में क्या होने लगा? यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्राकृतिक यानी हमारे नेचर में चेंजेस आ गए, सब बदल गया। प्राकृतिक संतुलन यानी हमारा बैलेंस खत्म हो गया धरती का। प्राकृतिक संतुलन, संतुलन मीन्स बैलेंस।
बैलेंस डगमगा गया, सब चेंजेस आ गए प्रकृति में, यानी हमारे नेचर में सब चेंजेस आ गए, इससे संतुलन यानी इसका बैलेंस बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में वहां के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव जंतु अक्षम साबित हुए, यानी बहुत ही कमजोर साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया, यानी हमारे पूर्वज हमारे जो तो केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया, इस स्थिति का नहीं कंडीशन का, ये ऐसे हालात का सामना किया। क्या किसने किया? पूर्वज, पूर्वज यानी हमारे पेटर्नल्स, पूर्वज। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर, अपने तकनीकी यानी टेक्निकल ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज, तकनीकी ज्ञान, क्या है तकनीकी ज्ञान मीन्स टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज यानी तकनीकी ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के यानी कई प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके सहारे हम सूर्य शक्ति यानी सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। टेक्निकल नॉलेज के द्वारा हमने जमीन के नीचे भी अपना घर बनाया और जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे, विभिन्न यंत्रों के यानी कई प्रकार के डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के सहारे सूर्य शक्ति का भी हम इसमें प्रयोग करने लगे जमीन के अंदर। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। यंत्र जो है, इंस्ट्रूमेंट्स जो है, मशीनरी, उसे सुचारू रूप से सही ढंग से चलने के लिए उन्हें सतर्कता बरतनी पड़ती है। सतर्कता है बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता, सतर्क रहना, अलर्ट रहना यानी चौकन्ना, सतर्क चौकन्ना यानी अलर्ट रहना पड़ता। मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं, मुझ जैसे कुछ चुनिंदा ने कुछ खास सिलेक्टेड लोग ही इस यंत्रों का ध्यान रखते हैं। किसने कहा है? छोटू के पापा ने कहा। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की यानी अपनी इच्छा बताई। छोटू क्या कहने लगा? बड़ा हो गया तो मैं भी इसी तरह का काम करूंगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। माँ क्या कहा? माँ ने क्या कहा? छोटू को समझा इसके लिए खूब पढ़ना होगा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए, देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। दूसरे दिन क्या हुआ? छोटू के पापा काम पर गए, देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण यानी उसका एटमॉस्फेयर बदला बदला सा दिखा। शिफ्ट खत्म होने पर घर जाने जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। शिफ्टिंग सिस्टम यानी सेशन के हिसाब से, सेशन वाइज यानी मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट जिसे कहते हैं, वो खत्म होने पर स्टाफ के प्रमुख यानी जो इंचार्ज है उसने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु यानी एक डॉट झलक रहा था, बिंदु यानी डॉट था। वह बताने लगा यह कोई आसमान का तारा नहीं है, आसमान का तारा यानी कोई प्लैनेट नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर, कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा है, पिछले पिछले कुछ घंटों के दौरान इससे अपनी जगह बदल ली है। तो क्या कहने कह रहे हैं सब, वहां के जो प्रमुख है टीवी स्क्रीन पर इशारा किया और उसमें अगर कोई आसमान का तारा नहीं है, कहने लगे कि कोई आसमान का तारा नहीं है, कोई प्लैनेट नहीं, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा ये पता चला कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा, इसने पिछले कुछ घंटों में इसने अपनी जगह बदल ली है। तो बच्चों आज की कक्षा में यहाँ तक का ही विवरण किया गया है और यहाँ पर जो आपके आपके सामने बोर्ड पर जो दिए गए हैं यहाँ पे हार्डवर्ड्स के साथ इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं इसके अर्थ यानी इसके मीनिंग्स बताए गए, हिंदी शुद्ध हिंदी में नियंत्रण केंद्र कहते हैं इसको, कंट्रोल रूम इंग्लिश में कहते हैं। तो इस तरह के शब्दों का आपको अर्थ पता नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में बताया गया है। इसको आप होमवर्क या क्लास वर्क में अच्छे से वन टाइम प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लैंग्वेज यानी भाषा का बोलते सो समझना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए ये शब्दों को वन टाइम आप प्रैक्टिस कीजिए। आज की कक्षा यही समाप्त होती है, धन्यवाद।